त्री कहानी आड़। बड़े चिरें दे बाद संसार च बड़े सारे लोग रोंदे हे। ओ बड़े गे दुष्ट ते दंगा फसाद होए दे हे। ए इन्ना बुरा हा कि परमेश्वर ने एक बड़े आड़ कोला इस पूरे संसार गी नष्ट करने दा फैसला लेता। लेकिन परमेश्वर नूह कोला खुश हा। ओ दुष्ट माणुए विच रोने आला एक धर्मी माणु हा। परमेश्वर ने नूह गी सुनाया कि ओ एक बड़े आड़ गी आने आला है। इस चाली ओने नूह गी एक बड़ी किश्ती बनाने गी आख्या। परमेश्वर ने नूह गी लगभग 140 मीटर लंबी, 23 मीटर चौड़ी ते 13.5 मीटर उच्ची किश्ती बनाने गी आख्या। नूह ने उसी लकड़ी कन्ने बनाना हा ते ओ ओदे च 3 ताल, बड़े सारे कमरे, एक छत ते एक सज्जी बनानी ही। ओ किश्ती नूह, ओदे परिवार ते धरती दे हर चाली दे जानवर गी उस आड़ कोला बचाइए रखग। नूह ने परमेश्वर दी गल मन्नी। उसने ते ओदे पुत्रें उगे नहीं किश्ती बनाई जियां परमेश्वर ने सुनाई ही, कि के ओ किश्ती बड़ी वड्डी ही, इस करी उसी बनाने च कई साल लगे। नूह ने लोकें गी आने आले आड़ दे बारे च चेतावनी दित्ती ते उन्हें गी परमेश्वर दी बखी फिरने आस्ते आख्या, लेकिन उन्हें उन्दे उपर विश्वास नहीं किता। परमेश्वर ने नूह ते उदे परिवार गी अपने आस्ते ते जानवर दे लई अनाज किट्ठा करने दा हुक्म दिता। जिसले सारा किश तैयार हा ते परमेश्वर ने नूह गी आख्या, ए समा उदी घरेआली दे, उदे त्रै पुत्रें दे ते उंदी घरेआलियां दे, सारे मिलाइए 8 जने किश्ती च जाने है। परमेश्वर ने हर एक जानवर ते पखरू दे नर ते मादा गी नूह कोल भेजिया, कि के ओ किश्ती च जाई सकन ते आड़ दे बेले ठीक ठाक रही सकन। परमेश्वर ने हर एक किस्म दे जानवरें दे 7 नर ते 7 मादें गी भेजिया, जिन्हें बलि चढ़ाने दे लई इस्तेमाल कीता जा। जिसले सारे किश्ती च पुजे ते परमेश्वर ने किश्ती दे सारे दरवाजे बंद करी दिते। उसले बरखा होना शुरू होई ते बरखा होंदी गई ते होंदी गई। बगैर रुके 40 दिन ते 40 रात बरखा होंदी रही। सारे संसार दी हर एक चीज, इत्थें तकर कि उच्चे उच्चे पहाड़ भी डुबी गए। सुक्की धरती ते उपर रोने आली हर एक चीज मरी। उन्हें लोकें दे जानवर गी छुड़िए जेड़े किश्ती विच हे, ओ किश्ती पानी उपर तरदी रही ते किश्ती दे कोल हर एक चीज गी डुबने कोला बचाइए रखिया। बरखा रुकने कोला बाद 5 महीने तकर ओ किश्ती पानी उपर तैरदी रही ते उस समय थमां पानी घटना लगी पिया हा। उसले एक दिन ओ किश्ती एक पहाड़ दी ऊंचाई उपर टिकी, लेकिन संसार हाली तकर पानी कन्ने डकोदा हा। 3 महीने दे बाद पहाड़े दी ऊंचाइयां लभियां। फी 40 दिनें दे बाद नूह ने एक कां गी ए दिखने आस्ते बाहर भेजिया कि पानी सुकी दा हा। ओ कां सुकी धरती दी खोज च इत्थे उत्थे उड़दा रहा, लेकिन उसी ऐसी कोई जगह नहीं लभी। फी नूह ने एक कबूतरी गी बाहर भेजिया, लेकिन उसी भी कोई सुकी धरती नहीं लभी। इस करी ओ नूह दे कोल वापस आई। एक हफ्ते बाद उसने उस कबूतरी गी फी भेजिया ते ओ अपनी चुंझे कन्ने एक जैतून दी एक टाली लेइए वापस आई। पानी घटदा हा ते निक्के बूटे पी जमन लगी दे हे। नूह एक हफ्ता होर बल गया ते त्री वार उस कबूतरी गी बार भेजिया। इस बारी उसी ठहरने दी जगह थोई ते ओ वापस नहीं आई, पानी सुका दा हा। 2 महीने बाद परमेश्वर ने नूह गी आख्या, हुण तू ते तेरा परिवार ते सारे जानवर किश्ती कोला बाहर निकली आओ। बड़े सारे बच्चे ते पोतरे पड़पोतरे जमो ते धरती गी भरुड़ो। ते नूह ते उहदा परिवार किश्ती विचा बाहर निकली आए। नूह दे किश्ती चा बाहर आने दे बाद एक बेदी बनाई ते बलि आस्ते कम च लाने आले हर चाली दे जानवरें गी लेइए बलि चढ़ाया। परमेश्वर उस बलि कोला खुश होया ते नूह ते उहदे परिवार गी शीश दित्ती। परमेश्वर ने आख्या, मैं वायदा करना
कि माणुएं थमां औने आले बुरे कम्में दे कारण अऊं धरती गी कदे लानत नहीं देगा जां आड़े थमां संसार गी नष्ट नहीं करगा। हालांकि माणु अपने बचपन दे समां कोलां गे पापी है। भी परमेश्वर ने अपने वायदे दे चिन्ह दे रूप च पहला इंद्रधनुष बनाया। जिसले कदे भी अंबर च इंद्रधनुष लभदा है ते परमेश्वर चेता करग कि उसने के वायदा कीता हा ते उहां गे ओदे माणु चेता करंगन।